हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है झारखंड सहायक आचार्य का पेपर वन का 6 to 8 के लिए, उसमें दोस्तों इस टॉपिक से भर भर के सवाल पूछा जा रहा है। कई सारे बच्चे का कमेंट आया है कि सर इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछ रहा है। इतना छोटा टॉपिक और 2 से 3 प्रश्न पूछ रहा है। कोई कोई शिफ्ट में दोस्तों लगभग 4 प्रश्न ही पूछा है। ठीक है, इस तरह बच्चा का कमेंट आया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूं, ताकि जिनका एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है उनका एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो जल्दी से आज का इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। और दोस्तों अंत में आपको मैं एक्स्ट्रा सवाल भी दे दूँगा, ताकि आप घर में बैठ के और अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संधि का मतलब होता है दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके आकार और ध्वनि में जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। दो अक्षरों को आपस में मिलने से, जैसे कि दोस्तों परी, परी जोड़ इच्छा, परी जोड़ इच्छा, जब दोनों मिलेगा दोस्तों बनेगा परीक्षा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों संधि। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए आज का जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न है, वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। अभी हम जस्ट बनाए दोस्तों, उसे ही कहा जाता है संधि। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर, निम्न में से कौन संधि का प्रकार है। निम्न में से कौन संधि का प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो ये तीनों ही दोस्तों ये संधि का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यून में कौन महर्षि का संधि विच्छेद है। दोस्तों न्यून में से कौन महर्षि का संधि विच्छेद है। दोस्तों महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि दोस्तों महर्षि का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको जुड़ना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, आप लोग सभी को जाकर वहाँ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन स्वागत का संधि विच्छेद है। स्वागत का बताना है, स्वागत का संधि विच्छेद कौन है। दोस्तों सु प्लस आगत, सु प्लस आगत दोस्तों स्वागत का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा संधि रूप सुध है। सुध आपको बताना है कौन सा है, ने प्लस अन नयन ये सही है, सुध दिया हुआ है। गौ प्लस अक गायक, हाँ ये भी सही है। भो प्लस अन भवन, हाँ ये भी सही है। इन दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी जगह। दोस्तों थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ना होगा, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है भू प्लस अन तो भवन होना चाहिए, नहीं दोस्तों ये जुड़ने के बाद भवन हो जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस टॉपिक आपको पढ़ना थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट वाला यहाँ पर बात। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न, न्यून में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है। कौन सा संधि रूप शुद्ध है, चलिए देखते हैं कौन सा संधि रूप शुद्ध है। सत प्लस जन सज्जन तो सही है, सत प्लस चिदानंद यानी सचिनानंद ये भी सही है, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ ये भी सही है, जगन्नाथ ये भी सही। दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, न्यून में से कौन सा संधि रूप अशुद्ध है, यानी आप अशुद्ध पूछ रहा है कौन सा है, यानी गलत कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कृष्ण, कृष्ण प्लस न कृष्ण बिल्कुल सही है, सम प्लस योग संयोग ये भी सही है, विष प्लस म विषम नहीं ये गलत दिया हुआ है, विष प्लस म विषम ये गलत दिया हुआ है। आगे देखते हैं, अनु प्लस छेद अनुच्छेद हाँ बिल्कुल सही है, यानी दोस्तों गलत ऑप्शन नंबर सी वाला दिया हुआ है। ठीक है, विष प्लस म विषम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है। कौन सा संधि रूप दोस्तों शुद्ध है, नि प्लस जन निर्जन बिल्कुल सही है, न्यू प्लस आशा निराशा ये भी सही है, नी प्लस गुण निर्गुण ये भी सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम
और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा संधि का अशुद्ध रूप है? अशुद्ध रूप यानी अशुद्ध दिया हुआ है, अशुद्ध रूप दिया दोस्तों। पो प्लस अन पवन ये तो शुद्ध है, नी प्लस झर निर्झर ये भी सही है, नी प्लस अमल निर्मल नहीं ये गलत दिया हुआ है, ये अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जब एक मिल गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? अच्छा शुद्ध पूछ रहा है, कौन सा है? मन प्लस भाव मनोभाव बिल्कुल सही, यश प्लस दा यशोदा ये भी सही, अंत प्लस निहित दोस्तों अंतर्निहित बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? कौन सा संधि रूप शुद्ध है? शुद्ध है तो सब पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, अहम प्लस कार अहंकार बिल्कुल सही है, अति प्लस आवश्यक अति आवश्यक ये भी सही दिया हुआ है, आशी प्लस वाद आशीर्वाद ये भी सही है, सब शुद्ध दिया हुआ है यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? कौन सा संधि रूप दोस्तों शुद्ध है? आवि प्लस कार आविष्कार बिल्कुल सही, अति प्लस आदि आदि ये भी सही है, उत् प्लस लंघन उल्लंघन ये भी सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सब सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, ताकि आप एक प्रश्न के माध्यम से आप 3-4 प्रश्न तैयारी कर ले रहे हैं। अभी सबको याद कर लीजिएगा, आवि प्लस कार आविष्कार होता है, अति प्लस आदि इत्यादि होता है, उत् प्लस लंघन उल्लंघन होता है, सब याद कर लीजिएगा। इन दोस्तों एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा संधि शुद्ध रूप है? फिर पूछ रहा है शुद्ध रूप कौन सा है, देखिए कौन सा शुद्ध है, उत् प्लस घाटन उद्घाटन बिल्कुल सही है, उत् प्लस चारण उच्चारण बिल्कुल सही है, उत् प्लस लास उल्लास ये भी सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 4 प्रश्न छुपा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से भी आप दोस्तों आपका लगभग 3-4 प्रश्न तैयार हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? फिर शुद्ध पूछ रहा है, सब पढ़ना पड़ेगा, ऊपरी प्लस युक्त उपायुक्त बिल्कुल सही है, उत् प्लस लेख उल्लेख ये भी सही है, किम प्लस नर किन्ना ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? कौन सा संधि रूप दोस्तों शुद्ध है? तप प्लस भूमि तपोभूमि बिल्कुल सही, यथा प्लस अपि यथापि ये भी सही है, दिग प्लस गज दिग्गज ये भी सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? दिग प्लस अंबर दिगंबर ये भी सही है, ने प्लस अनयन ये भी सही दिया हुआ है, नव प्लस एक नाविक ये भी सही दिया हुआ है, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, सब में शुद्ध रूप से पूछ रहा है। अगला आते हैं, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? फिर शुद्ध पूछ रहा है, देखिए नी प्लस उन नयुन सही है, नौ प्लस अक नायक नायक ये भी सही है, पित्र प्लस आदेश पित्रादेश ये भी सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी को इसको याद कर लीजिएगा, इस सब चीज़ को। ठीक है, जितना ऑप्शन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? फिर पूछ रहा है शुद्ध कौन सा है, पो प्लस इत्र पवित्र बिल्कुल सही, महा प्लस आयस्य महाशय ये भी सही, मन प्लस रथ मनोरथ ये भी सही, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? कौन सा संधि रूप शुद्ध है दोस्तों, देखिएगा, यदि प्लस अपि यद्यपि बिल्कुल सही है, युधि प्लस स्थिर विधिष्ठर ये भी सही है, यश प्लस धरा यशोधरा ये भी सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये भी सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन सा संधि रूप शुद्ध है? कौन सा संधि रूप शुद्ध है, देखिए सु प्लस अधीन स्वाधीन बिल्कुल सही, सौ प्लस ग स्वर्ग ये भी सही, सत प्लस आनंद सदानंद ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 20 प्रश्न देख लिए, और 20 प्रश्न के माध्यम से तो हम लोग अच्छा खासा प्रश्न को कवर कर लिए। ठीक है, जितना भी यहाँ ऑप्शन दिया दोस्तों सब सही दिया हुआ, देखें अभी हम लोग पढ़ें सबको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो इसका नीचे देखिए, नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद बहुत सारा भर भर के दिया हुआ है, अनु प्लस अनवय बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है, एक प्लस आंकी एकांकी, गण प्लस इस गणेश, सब पढ़ लीजिए, देखिए पूरा भर भर दिया हुआ है इस पेज में, ये आप लोगों को PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों मिल जाएगा, नहीं तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों जगह आप लोग जुड़ जाइएगा, कहीं भी एक जगह जुड़िएगा तो आप लोग काम हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इस चैनल में आप लोग को JTET का भी तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, 1-5 और
6 to 8 दोनों का, ठीक है। जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ये वाला एग्ज़ाम, और उसको हम शुरुआत कर देंगे, ठीक है, जेटेट का। यानी आप लोग दोस्तों चैनल जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोग को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलो दोनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।